नमस्कार दोस्तों, मैं प्रेम कुमार, रेल का आदमी यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा RESS ऐप के बारे में, जो रेल कर्मचारी की पे स्लिप को डाउनलोड करती है मोबाइल पर, और उसके बारे में सारी जानकारी मैं आपको दूंगा। यहाँ पर लिखते हैं RESS और फिर सर्च कर देते हैं। जैसे ही आप सर्च करोगे वैसे ही आपके सामने ये विंडो खुल के आएगी, और यहाँ तो ओपन लिखा है क्योंकि मैं पहले से ही डाउनलोड कर चुका हूँ, और आप लोग डाउनलोड करके फिर ओपन करिएगा। चलो हम ओपन करते हैं। ये विंडो खुल के आई है, इसमें यूजर आईडी और पासवर्ड मांग रहा, तो हम लोग तो नए हैं इसलिए न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे, और उसके बाद ये विंडो खुल के आई है। इसमें आप अपना पीएफ नंबर और मोबाइल नंबर और डेट ऑफ बर्थ भरेंगे। बिल्कुल सही सही हमने भर लिया है, और फिर भरने के बाद ये नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, और नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद OTP आएगा। यही OTP भरते हैं इसमें जो आया है, और फिर सबमिट कर देते हैं, और ये ऐप सामने खुल के आ गई है। और इसमें जो ये इधर फंक्शन है इसके बारे में मैं वीडियो के लास्ट में बताऊंगा, और सबसे पहले पे स्लिप के बारे में देखते हैं और बायोडाटा के बारे में। ये जो पहला वाला आइकन है इसमें बायोडाटा पता चलता है। चलो इसको क्लिक करते हैं। ये इसमें ये देखिए नाम दिखा रहा है, फादर्स नाम दिखा रहा है, और डेट ऑफ बर्थ दिखा रहा है, मोबाइल नंबर दिखा रहा है, ईमेल आईडी दिखा रहा है, आधार कार्ड दिखा रहा है, पैन कार्ड दिखा रहा है, प्राण नंबर दिखा रहा है, और ये रेलवे किसके अंडर में आप काम करते हैं वो दिखा रहा है, बिल यूनिट, डेजिनेशन, डिपार्टमेंट, डेट ऑफ अपॉइंटमेंट, डेट ऑफ इशू, डेट ऑफ रिटायरमेंट, स्टेशन, कौन से स्टेशन पे आप ड्यूटी कर रहे हैं, पे रेट आपका जो होगा वो दिखाएगा, पे लेवल, बैंक डिटेल, एफसी, अकाउंट नंबर, बैंक का नाम, ये सारी डिटेल बायोडाटा में आ जाती है। तो ये सब डिटेल दिखा रहा है ये सब। और सैलरी वाले में चलते हैं। सैलरी वाले में जैसे मुझे मार्च की सैलरी देखनी है, तो मार्च यहाँ पे 20, ये देखिए ऊपर दिखा है ईयर और मंथ, सर्च सैलरी बाय ईयर और मंथ, ईयर लिखा होगा और मंथ लिखा होगा, तो इसमें लिखा है 2020 मतलब 2020 और तीसरा महीना, तो हम सबमिट करते हैं। और सबमिट करने के बाद ये देखिए ये सैलरी ऑफ मंथ ऑफ मार्च 2020 आया लिख के, तो ये मार्च की पे स्लिप आ गई आपकी। ये देखिए पर्सनल डिटेल है, और ये पर्सनल डिटेल में सारी आपकी जानकारी दी है, कौन सा पद है, कौन से डिपार्टमेंट में हो, कौन सी बिल यूनिट है, पे लेवल, और कितनी तुम्हारी पे रेट है, और बेसिक, और ड्रेस अलाउंस क्या क्या लगा है, हाउस रेंट, और ट्रांसपोर्ट अलाउंस, और रिस्क अलाउंस, और ये यहाँ पे जो सैलरी डिडक्शन होती है उसकी डिटेल है, का बीमा कटता है तो उसका बीमा का है, और न्यू पेंशन स्कीम NPS कटता है तो उसका दिया है, और अगर आपका लोन है तो वो नॉर्दर्न रेलवे पंजाब नेशनल बैंक वो देखो दिया है इसमें। और ये समरी, पे की समरी जो आप पे पूरी है 31 दिन की, ग्रॉस भी दिया है कितनी कटी है, और नेट पे कितनी बनी है आपकी, पेमेंट मोड, ये सब देखो डिटेल वही दी है जो पे स्लिप में होती है।
चलो इसको बैक करते हैं। और अगर आपको पीछे की पे स्लिप देखनी है या पीछे की कोई भी देखनी है, चलिए हम यहाँ से ईयर चेंज करते हैं, ये 19 हो गया, 19-3 की देखते हैं, तो 19-3 की भी यहाँ से देख सकते हैं। चलिए सबमिट करते हैं। सबमिट करने के बाद ये देखिए 19-3 की पे स्लिप आ गई है आपके सामने, सैलरी फॉर मंथ ऑफ मार्च 2019। ये भी वैसे ही बिल्कुल सेम है, वही, इसमें कोई चेंजिंग नहीं आई है, वही है। अभी इसको डाउनलोड करना, बात ये डाउनलोड करने की, तो मैं यहाँ से इसको डाउनलोड पे क्लिक करता हूँ, तो ये डाउनलोड पे क्लिक करता हूँ, ये देखिए डाउनलोड सक्सेसफुल हो गया। तो सक्सेसफुल यहाँ से डाउनलोड होगा, डाउनलोड होने के बाद आप इसको देख सकते हैं वहाँ मेमोरी में जाके। और ये बैक चलते हैं, और ये यहाँ ईयरली लिखा है, तो ईयर के हिसाब से सैलरी दिखाएगा आपको, तो आपकी जैसे 1920 की दिखाई देगा सैलरी, तो उन ईयर के हिसाब से आप देखिए ये पे ऑफ डे कितने दिन में कितनी दिन की सैलरी आपको मिली है, और ग्रॉस लिखा है, डिडक्शन है, और नेट पे, ये सारी डिटेल आपकी है, ये टोटल है नीचे 12 महीने का। चलिए ये समझ गए, आप बाइक चलते हैं। और ये सप्लीमेंट्री इसमें अभी कुछ नहीं दिया है, ये शायद आगे चल के कुछ इसमें जुड़ जाए, लेकिन अभी कुछ नहीं है। तो एनपीएस यहाँ से देखते हैं, एनपीएस ये एनपीएस जैसे 19-20 का देखना है, तो 19-20 जो है, तो इसको 19-20 करते हैं और सबमिट कर देते हैं। ये देखिए एनपीएस के बारे में दिखाया है, मंथ इधर साइड में लिखे हैं, 20-2019 का चौथा महीना गवर्नमेंट ने इसमें मिलाए हैं 3,598 रुपये, और एम्प्लॉय के हैं इसमें 2,626 रुपये साल, मतलब 2,626 रुपये मिलाए हैं। तो बैक चलते हैं, और ये इनकम टैक्स है, इसमें इनकम टैक्स आप देख सकते हैं, इनकम टैक्स में देखो इनकम टैक्स फॉर 2019 से 2020 तक, और यहाँ पे आप फार्म डाउनलोड भी कर सकते हैं, जैसे आप पे स्लिप डाउनलोड करते हैं वैसे ही आप ये 16 नंबर फार्म बोलते हैं इसको, 16 नंबर फार्म आप डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ से। और ये बैक करते हैं, और ये लोन के बारे में है इसमें, लोन के बारे में, तो ये लोन की डिटेल है, आपने अगर लोन लिया है तो इसमें सारा कुछ दिखाएगा, और ये इसमें दिखाएगा कि कितनी किस्त बाकी है आपकी, और कितना बैलेंस बाकी है, और कितना अमाउंट आपका कटता है हर महीने, और कौन कौन महीने में कटा है, कौन कौन महीने में नहीं कटा है। चलिए ये यहाँ से समझ गए, बाइक चलते हैं। और ये लीव के बारे में, ये यहाँ पे लीव दिखाता है, लेपी और LHAP, तो इसके बारे में ये पूरा लीव दिखा रहा है यहाँ पे, करंट की सारी जो चल रही होती है उसमें दिखाता है। तो यहीं से लीव आप अपनी देख सकते हैं। ये फैमिली के बारे में है, फैमिली के बारे में तो अभी कुछ जुड़ा नहीं है इसमें, शायद आगे जुड़ जाए। और ये रिटायरमेंट के बारे में भी अभी कुछ नहीं इसमें डिटेल है, क्योंकि आप रिटायर थोड़ी ना हुए अभी। और ये पीएफ विड्रॉल उनका होता है जो 2004 के पहले के भर्ती हैं, उनका पीएफ इसमें दिखाएगा, और जो 2004 के बाद के भर्ती हैं कर्मचारी, उनका जो पीएफ नहीं, उनका एनपीएस होता है, इसलिए उनका एनपीएस इसमें नहीं दिखाएगा, क्योंकि ये पीएफ से रिलेटेड है। अगर आप पुराने कर्मचारी हैं तो यहाँ पे प्रोसेस करके ये आपका ये सब ये तुम्हारे बारे में जानकारी ऊपर दी है, और ये एम्प्लॉय का पे बैलेंस कितना बचा है, ये सारी डिटेल इसमें सब भरी है, इसमें कितना अमाउंट बचा है सब कुछ है। तो चलिए अब वो लास्ट वाला देखते हैं, इसमें ऑप्शन, ये यहाँ से आप भाषा चेंज कर सकते हैं, आप हिंदी रखिए चाहे इंग्लिश रखिए, ये अभी दो ही भाषा में है, यहाँ से आप जो पसंद हो वो आप चेंज कर सकते हैं। और ये ऑप्शन है, ये मोबाइल नंबर, ये मोबाइल वाला ऑप्शन है, ईमेल वाला ऑप्शन है, पासवर्ड है, इमेज है, रिसेंट एक्टिविटीज़ है। तो मोबाइल में चलते हैं, तो मोबाइल में यहाँ पे आप मोबाइल नंबर अपना चेंज कर सकते हैं, जो मोबाइल आपका
जैसे पड़ा है उसमें और उसको हटाना चाहते हैं, नया नंबर जोड़ना चाहते हैं, तो नया नंबर यहाँ पे आप डाल के अपडेट कर दीजिएगा तो अपडेट हो जाएगा। और बैक चलते हैं, ये ईमेल में यहाँ आप ईमेल आईडी डालेंगे अपनी, एक बार नहीं डालेंगे और वही आईडी फिर से दोबारा कंफर्म करने के लिए डालेंगे, दो बार मांगता है कि कहीं गलत ना हो जाए, इसलिए दो बार आईडी ईमेल आईडी डाल के फिर अपडेट करेंगे तो अपडेट हो जाएगी अगर आपको चेंज करना है तो। और ये आपका पासवर्ड भी यहाँ से चेंज हो जाएगा, जो OTP मिलता है आपको जो आप एप्लीकेशन जब ऑन करते हैं तो उसके बाद OTP आता है, अगर वो OTP आपको नहीं रखना है तो वो पहला वाला OTP ऊपर डाल देंगे और जो आप पासवर्ड बनाना चाहते हैं वो यहाँ से आप अपना पासवर्ड भी चेंज कर सकते हैं। और बैक चलते हैं और यहाँ से इमेज आप अपनी लगा सकते हैं, इमेज का साइज 10 KB से 100 KB के बीच में होना चाहिए। यहाँ से आप करेंगे तो आपका ये देखिए गैलरी खुल गई है, गैलरी में से आप फोटो अपनी सेलेक्ट करके आ सकते हैं, कोई भी फोटो आप अपनी, लेकिन ध्यान रहे साइज 10 KB से 100 KB के बीच में होना चाहिए। अब बैक चलते हैं इसमें, और ये रिसेंट एक्टिविटी मतलब आपने हाल ही में जो उसमें बदलाव किए हैं वो सब इसमें लिख के आता है। यूजर आईडी PF नंबर दिखा रहा है, रजिस्ट्रेशन डेट दिखा रहा है, मोबाइल नंबर दिखा रहा है, ईमेल आईडी दिखा रहा है, लास्ट पासवर्ड चेंज कब किया था वो दिखा रहा है, और लास्ट लॉग आउट किया कब वो दिखा रहा है। तो ये सब यहाँ से जानकारी मिलती है रिसेंट एक्टिविटी से। और अबाउट के बारे में होगा एप्लीकेशन के बारे में, और FAQ का मतलब ये क्वेश्चन आंसर आप कर सकते हैं इसमें, और ये कॉन्टेक्ट अस में आप इसमें कस्टमर केयर का नंबर होगा, कस्टमर केयर से आप कोई भी सलाह ले सकते हैं, अगर आपको कोई दिक्कत हो रही हो तो आप इसमें पूछ सकते हैं, और ईमेल भी कर सकते हैं। तो चलिए नमस्कार, आप मिलते हैं अगली वीडियो में, और मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर लीजिए, ये बिल्कुल फ्री है। नमस्कार।